आज मैं जिनके बारे में बोलना चाहता हूँ उनका परिचय देना सूरज के दिया दिखाने के समान है। वो आज के युग के सबसे प्रासंगिक व्यक्ति हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो। तू प्राण सनातन का है, तू मानवता का जीवन है। जब कोई मुझसे ये पूछे तू ही तू मेरा भारत है, तू ही तू मेरा भारत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बातें करने जा रहा हूँ वो वेदांत योगा और हिंदुत्व को विश्व के पटल पर लाने वाले स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। शुरू से ही रामायण और महाभारत का नरेंद्रनाथ दत्त पर एक विशेष प्रभाव था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को जानो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बोले थे, यदि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के प्रति हमारी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म कांग्रेस हो रहा था। उसके प्रतिनिधित्व करता सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व करता थे स्वामी विवेकानंद सरस्वती। उस समय इनकी उम्र 30 वर्ष थी, केवल 30 वर्ष। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुंज का सुरभि कुंज था। मस्तक पर वो अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने वो देखा। सब सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे पीछे सबसे अंतिम समय दिया गया था, केवल दो मिनट के लिए बोलने के लिए सनातन धर्म के बारे में कहा गया था। स्टेज पर जाकर थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाते हैं, ध्यानमग्न हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये गिरुआधारी कुछ नहीं बोल पाएगा। थोड़ी देर बाद 5 शब्द वो बोलते हैं। वो 5 शब्द आने वाला 500 साल के लिए पश्चिम की धरती पर उन्होंने सनातन का झंडा गाड़ दिया था। वो 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के मेरे भाई एवं बहनों, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन में जो विवेकानंद भाषण दिए थे उसका हिंदी रूपांतरण मैं बोलने जा रहा हूँ। अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ हिंदुओं की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया है कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों को सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो रखी हैं जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं।
जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक पहुँच जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश इसका प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वो कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक से धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों को विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, ये इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।